होस्ट आशी निजामी, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है एक शाम डॉक्टर सरत अस्करी के नाम। आज का प्रोग्राम हमारा न्यूट्रिशन बेस है। आप सबको पता है कि डॉक्टर सरत अस्करी ना सिर्फ एक्यूवाइब्रोथेरेपिस्ट है बल्कि साथ ही वो न्यूट्रिशंस भी है। तो आज का प्रोग्राम खास तौर पर हमने न्यूट्रिशंस के हवाले से रखा है। बेसिकली न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इन एनर्जी। जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, हम जितना खाते हैं वो हमारा जो फूड होता है उसको वो कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर। एनर्जी होती है जो कि इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है फॉर सर्वाइविंग लाइफ, फॉर डूइंग एनीथिंग, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी। तो न्यूट्रिशंस का बेसिक रोल होता है हमारी लाइफ में। सात तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि इंसानी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से आप सब लोग वाकिफ हैं, प्रोटीन से आप लोग सब वाकिफ हैं, फैट है, फिर मिनरल्स होते हैं, फिर वाटर होता है, फिर जो फैट्स होते हैं वो गुड फैट भी होते हैं, बैड फैट भी होते हैं, फिर फाइबर्स होता है। तो इस तरह के टोटल सात न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि इंसानी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। तो मुझे तो इतना ज्यादा नहीं पता है, ये आपको हमारी डॉक्टर साहब बता सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज करते हुए अपने डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, जो कि ना सिर्फ बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशन हैं, एक्यूवाइब्रेस थेरेपिस्ट हैं, बहुत अच्छी वाइफ हैं, लविंग है, केयरिंग है। तो चलिए इनवाइट करते हैं अपनी प्यारी, राजदुलारी, लविंग एंड केयरिंग डॉक्टर सरवत अस्करी को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? बाकी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाल के लाई, क्योंकि हमारे नाज़रीन को आपको बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि आप माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। आप क्या कुछ नहीं बता रही होती हैं हमें? देखिए पता है, मैं असल में बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि किसी तरह से कुछ भी नया करूं। हालांकि उम्र काफी पुरानी हो रही है, तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली वो न्यूट्रिशंस के ऊपर है, क्योंकि आप एक्यूवाइब्रियोथेरेपिस्ट तो है ही हैं, लेकिन साथ ही हमारे ऑडियंस को पता है कि आप एक डाइटिशियन भी हैं। तो कुछ डाइटिशियन के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से हमें बताइए, और उस न्यूट्रिशन के पार्ट में आपका वर्ल्ड फेमस साउ सीरियल, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, ये साउ सीरियल जो है ये एक समझ लें आपके फूडी मेडिसिन, फूड जो खाने पीने का डेली, और सबसे बड़ी क्वालिटी इसमें ये कि जो डेली हम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, खाने में जो डेली चीजें होती है हमारी, वही चीजें इसमें है। अच्छा। लेकिन इनका जो कंपोजिशन और इनका जो हमने किया है ना, उसमें खास लिमिट देखी है कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड कितना रहता है। अगर आप कुछ भी ना खाएं, सिर्फ साउ खाएं, तो फिर आप अगर मोटे हैं तो आप पतले हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। आप बिल्कुल, आपका वेट जो है ना बिल्कुल आप सिमेट्री से होगा। सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कोई एक्सरसाइज आप नहीं करते तो फिर आप एक्सरसाइज की जरूरत, क्योंकि आपकी बॉडी शेप्ड होना शुरू हो जाएगी कि जहाँ जहाँ सेलुलाइट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, जहाँ जहाँ सेलुलाइट्स हैं, बाकायदा औरतों की कहाँ खाती हैं ब्रह्मचारियाँ, लेकिन वो मोटी हो जाती हैं। मोटी कैसी होती है? डीजे मोटापा, तो वो चीज़ जो है ना ये खत्म करती है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी जो रेगुलर साइकिल है, जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो आपकी बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक हो जाती है। सबसे पहले तीसरा महीना जो है वो मतलब चाहे जितना पुराना हो, एक एक साल पुराना, मतलब आपके बिल्कुल पीरियड्स में नहीं होते, तो वो चीज भी इसमें आ जाती है। फॉर तीन से चार महीने में आप कम्प्लीटली आप रेगुलरिटी आ जाती है माशाल्लाह। तो और सबसे अच्छी बात इसमें ये, और दूसरी बात ये कि आपकी हड्डियां और पट्टी दोनों के लिए बेहतरीन है ये। आप इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी एज के बच्चे को लेके, बड़े बूढ़ों को लेके, आप रोज आना एक टीस्पून सिर्फ बड़ा वाला, मतलब तो अगर आप ये रोज आना खाएंगे, ये किसी भी टाइम खा सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात, किसी भी टाइम खा सकते हैं माशाल्लाह। मगर बस ये कि आप रात को बहुत मैक्सिमम टाइम जो है वो 9 बजे। अच्छा, और खाना किससे है, पानी से या दूध से? पानी से भी ले सकते हैं, जूस में भी ले सकते हैं, दूध में भी ले सकते हैं। अच्छा, इतने सारे। आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपको अपनी एनर्जेटिक होना है। एनर्जेटिक मैं इतना फील कर रही हूँ ये चीज कि इससे बाल सही हो रहे हैं, अच्छा, इससे आई साइट सही हो रही है, और जो कानों में बज रही, अक्सर लोग कहते हैं सीटियां बज रही हैं, ये हाँ, सबसे पहले वो ठीक हुआ है लोगों का। अच्छा, मुझे ना